पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रभु की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ने लगभग 3.5 साल अपनी शिक्षाएं लोगों को दी थीं, घूम घूम कर जगह जगह जाकर उन्होंने शिक्षाएं दी थीं, जिसमें से बहुत कुछ बाइबल में प्रभु के 4 अनुयायियों ने लिख कर रखा है। इन दिनों हम जिस जो लेक्चर ये प्रभु के जो संदेश थे या प्रवचन थे जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये पर्वतीय उपदेश कहलाता है। इसलिए पर्वतीय उपदेश कहलाता है कि जब प्रभु से मिलने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, तो आज से 2000 साल पहले लाउडस्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे, और यदि आपसे मिलने के लिए और आपकी शिक्षाओं को सुनने के लिए 5-10 हज़ार लोग एक साथ एकत्रित हो जाएँ तो आप क्या करेंगे? 50 लोगों से ज़्यादा या 100 लोगों से ज़्यादा लोग आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए पुराने ज़माने में बहुत सारे तरीके थे, जिसमें से एक तरीका ये था कि एक ऊंची सी पहाड़िया पे चढ़ जाओ और पहाड़िया के ऊपर खड़े होके नीचे खड़े हुए लोगों से ज़ोर से उनको लेक्चर दो, तो पहाड़िया से रिफ्लेक्ट होकर वो पूरी की उनका जो उनकी जो पूरी आवाज़ है वो नीचे को जाती थी और लोग सुनते थे। लेकिन हम लोग चूँकि लाउडस्पीकर के युग में जी रहे हैं, इसलिए हम सबको मालूम नहीं है, हम में से ज़्यादातर को मालूम नहीं है कि इसके अलावा पुराने ज़माने में और भी बहुत सारे तरीके यूज़ करते थे। मैंने स्वयं देखा है इस केरल के प्रदेश में, आज से 60 साल पहले जब लाउडस्पीकर वगैरह नहीं होते थे, तब एक मुख्य वक्ता प्रभु का संदेश देता था। वो 2 वाक्य बोलता था, उससे लगभग 20 फुट खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची और ज़ोर की आवाज़ होती थी, वो बहुत ज़ोर से उस संदेश को रिपीट करता था। मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे दादाजी इस मामले में एक्सपर्ट थे और उनकी आवाज़ ऐसी थी कि यदि यहाँ बोले तो पाताल तक पहुँच जाए। तो इस तरह के लोगों की मदद से 5-10 हज़ार लोगों को संदेश देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी भीड़ को देखकर प्रभु एक पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ खड़े होकर कंटिन्यूस लगातार उन्होंने कई घंटों प्रवचन दिया। चूँकि पर्वत पर खड़े होकर या पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने ये संदेश दिया था, इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश कहा जाता है। इस पर्वतीय उपदेश में बहुत सारी बातें हमने देखी। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि प्रभु ने मुझे और आपको ये जो जीवन दिया है, इस जीवन में हमको प्रभु का भंडारी बनाया है। जिस क्षण हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण प्रभु हमको एक नया जीवन दे देते हैं। उस नए जीवन के साथ साथ हम इस सांसारिक जीवन के अलावा एक आत्मिक जीवन भी पा लेते हैं। उस आत्मिक जीवन को पाकर जब हम प्रभु की संतान बन जाते हैं, तो उसके बाद प्रभु हमको क्यों नहीं इस संसार से हटा देते? क्यों उसके बाद 10, 20, 40, 50, 60 या इवन 90 साल तक हमको इस संसार में क्यों रखते हैं? इसके पीछे कारण है। जिस तरह से बहुत बड़े बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ, नगर सेठ लोग जो बड़ा व्यापार करते हैं, उसमें एक व्यक्ति को मुनीम रखते हैं, जो उनकी सारी संपत्ति का उपयोग अपने मालिक के लिए करता है। उसी तरह से प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि मैंने और आपने या हम लोगों में से जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम में से हर व्यक्ति का तन, मन, धन और जीवन में जो कुछ है वो सब प्रभु का दिया हुआ है, और इन सब के हमको प्रभु ने इन सब का भंडारी बनाया है, जिससे कि आइंदा प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद आइंदा हम जो कुछ करें वो प्रभु के लिए करें, प्रभु के भंडारियों के समान करें। जब इस तरह से मैं क्या हूँ और मुझे प्रभु ने यहाँ किस लिए रखा है, जब ये बात स्पष्ट हो जाती है, तो उसके साथ साथ जीवन के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है, बदल जाना चाहिए। और यदि नहीं बदला है तो उसका मतलब यह है कि हमने
सही रीति से विषय को समझा नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार के पांचवें अध्याय में हम एक चीज और देखते हैं। मत्ती के पांचवें अध्याय के 38वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु के बच्चों को जीवन में कभी भी दूसरों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 38वें पद में, तुम सुन चुके हो कहा गया था, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना ना करना। एक्चुअली प्रभु यीशु बाइबल के पूर्वार्ध की बात कर रहे थे। वहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यदि हमारे साथ किसी ने कोई बुराई की है तो यह हमारा हक बनता है कि हम उस व्यक्ति को न्यायी के सामने ले जाएं। वो आने को तैयार नहीं हो तो हम सीधे सीधे न्यायी के पास जाएं और उसको विषय बताएं, और जो न्याय करने वाला है उसके पास इतना अधिकार था कि वो उस व्यक्ति को बुला भेजे और पूछे कि तुम्हारे विरुद्ध इनका ये कहना है, तुमने ये किया है या नहीं किया है, और यदि किया है तो क्यों किया है। जब सारी बातें वहाँ जांच ली जाती थी तो उसके बाद न्यायी उनको सही रीति से न्याय देता था। उस न्याय का हिसाब ये था कि यदि तुमने किसी का दांत तोड़ा है तो सजा के रूप में तुम्हारा दांत भी तोड़ दिया जाएगा, तुमने यदि किसी का हाथ काटा है तो तुम्हारा हाथ भी काट दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाकी सारे लोग जो समाज में हैं वो लोग इस बात को देखकर डर जाएं कि यह समाज ईमानदारी पर, न्याय और कानून पर आधारित समाज है, और इस समाज में यदि तुम नियम कानून का लंघन करोगे तो तुमको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब तुम जो करोगे वैसा ही भरोगे। प्रभु ने बताया, प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया कि मेरे प्रिय बच्चों, ये सही है कि यदि तुम्हारे विरुद्ध किसी ने कोई अपराध किया है तो तुम्हारे पास इस बात की आज़ादी है कि तुम न्यायी के सामने जाओ, उनको ये बताओ कि देखिए मेरे साथ इस तरह से अन्याय हुआ है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसलिए आप मुझे न्याय दिलाइए। और जब तुम इस तरह से न्यायाधीश के सामने बोलोगे तो न्यायाधीश उस व्यक्ति को बुलवा भेजेगा और जांच पड़ताल के बाद इस व्यक्ति को न्याय के रूप में उस व्यक्ति को सजा देगा। ये एक मानसिक भावना है कि जिसने मुझे धोखा दिया है, जिसने मुझे लूटा है, जिसने मेरी चोरी की है, जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे द्रोह किया है, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। एक स्वाभाविक मानसिक फीलिंग है, चाहे बच्चा हो जो माँ बाप से जाके शिकायत करता है कि मेरी बहन ने मुझे मारा, मेरे भाई ने मुझे नोचा और फलाने ने मेरी चीज उठा ली, खा ली, ख़त्म कर दी या तोड़ दिया। हम न्याय चाहते हैं, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बड़े लोग हों, और उसके लिए प्रभु ने बहुत ही अच्छी न्याय व्यवस्था रखी थी बाइबल के पूर्वार्ध में। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को एक बात याद दिलाते हैं, मेरे बच्चों, बाइबल का जो पूर्वार्ध जब लिखा गया था उस समय मैं इस संसार में नहीं आया था, तुम लोगों ने मेरे दर्शन नहीं किए थे, अब मैं संसार में आ गया हूँ, तुम लोगों ने मुझे मुखामुख देख लिया, तुमने ये जान लिया कि ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके देहधारी होकर जब इस संसार में आए तो वो किस तरह से दिखते थे, क्या शिक्षाएं देते थे, और जब तुमने मुझे मुखामुख देख लिया और बहुत जल्दी ही तुम ये भी देख लोगे कि मुझे किस तरह से सूली पर चढ़ाया जाएगा, मैंने कोई गलती नहीं की है लेकिन धोखे से मुझे पकड़वाया जाएगा, धोखे से मेरी हत्या की जाएगी, लेकिन उसके 3 दिन के बाद मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, जब ये सब मेरे बच्चों तुम अपनी आँखों देख लोगे और मैं तुम्हारे सामने 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 स्वर्ग चला जाऊंगा, जब ये सब तुम अपनी आँखों आँखों देख लोगे तब एक बात और समझ लेना मेरे बच्चों, कि मेरे आने के बाद एक नया युग चालू हो गया है
और इस नए युग के लिए मैंने एक नया नियम रखा है। बाइबल के इस उत्तरार्ध को इसीलिए नया नियम कहा जाता है। और वो नया नियम क्या है? वो ये है कि अब तुम मेरे भंडारी हो और इस कारण तुम जो कुछ करते हो वो मेरे भंडारियों के समान करो, और लोगों से जो पूछना है, जो जवाब लेना है, जो न्याय करना है, जो निर्णय करना है, वो मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ यदि किसी ने अन्याय किया है तो मेरे बेटे मेरे बेटी न्याय के लिए न्याय के पास जाने के बदले उसे मुझ पर छोड़ दो, और तुम इस बात को याद रखो कि तुम मेरे भंडारी हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि प्रभु यीशु का शुभ संदेश आपके साथ बैठे अगल बगल में बैठे हुए लोगों को ये शुभ संदेश सुनाया जा सके, और मान लीजिए आकर कोई आपकी सीट हड़प कर लेता है। अब आपको आपकी सीट चाहिए और आपने रिजर्वेशन किया है, इसलिए वो सीट आपकी है, उसको कोई भी आपसे ले नहीं सकता। अब उस सीट को वापस लेने के लिए क्या किया जाए? उस सी दो दिन और दो रात की यात्रा है, तो सीट की तो आपकी ज़रूरत है, बर्थ की आपको ज़रूरत है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन उस बर्थ को वापस कैसे प्राप्त किया जाए? इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप यदि हट्टे कट्टे हैं तो जाके उसको गले से पकड़ के उठा के बाहर कर दिए कि ये मेरी सीट है, तुझे यहाँ किसने बैठने दिया। दूसरा तरीका यह है कि चार लोगों को अपने साथ मिला के उसके साथ आप गाली गलौज करें। तीसरा तरीका यह है कि आप कहें कि भैया तुम शायद गलती से बैठ गए हो, यह सीट मेरे नाम पर रिजर्व है और इसलिए उठ जाइए, आप अन्यत्र कहीं देख लीजिए, गाड़ी बहुत बड़ी है और आपको बैठने के लिए सीट का कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाएगा, ये मेरे नाम से रिजर्व है और दो दिन दो रात की यात्रा है इसलिए मुझे बैठना होगा, लेटना होगा, और इसलिए आप कहीं और देख लीजिए। आपको लगेगा कि शायद मीठी वाणी बोलें तो असर नहीं होगा। सवाल इस बात का नहीं है कि असर होगा या नहीं होगा, सवाल इस बात का है कि प्रभु के बच्चे होने के कारण आपको अपना पक्ष उस व्यक्ति के सामने किस तरह से पेश करना है। यदि उससे आप सॉफ्टली बोलने के बाद यदि वो नहीं उठता है तो आपके पास और भी तरीके हैं, बिना गाली गलौज किए हुए, बिना मारपीट किए हुए आप जाके टिकट चेकर को बुलाकर आप उससे कह सकते हैं कि ये मेरी सीट है और उस पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं और इसलिए इनको अन्यत्र कहीं सीट दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो काफ़ी लंबी यात्रा करनी है। और इन दिनों तो जनरली यदि आप टिकट चेकर से बोलें तो कड़ाई से उस व्यक्ति को उठाकर वहाँ से जहाँ भी उसको जाना है वहाँ भेज देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको चाहिए सीट, आप उसको कई तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये कि सीधे सीधे मारपीट पे उतर आए, दूसरा गाली गलौज पे उतर आए, नाराज होकर आप शब्द बोले। लेकिन एक तरीका प्रभु के बच्चों के पास है कि पहले सबसे पहले आप उसको बहुत ही नम्रता के साथ कि भैया ये मेरी सीट है, तुम गलती से बैठ गए हो या बैठ गए होगे, इस तरह से बोलिए। और यदि उसके बाद आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ही डीट है और उठने वाला नहीं है तो आपके पास सॉफ्ट तरीका है, जाके जिस व्यक्ति को सरकार ने अधिकार दिया है उस व्यक्ति से अपनी बात रखिए, वो व्यक्ति आपको आपकी सीट दिला देगा। तो हम चूँकि एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर हम प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु के भंडारी हैं, इसलिए हमको कभी भी इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमारे जीवन और हमारी गवाही में बाधा डाले। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दहने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझे कोर्ट कचहरी में लेकर तेरा कुर्ता उतरवा लेना चाहे तो उसके साथ साथ जो है अपनी चद्दर भी दे दो। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ दो कोस चला जा।
जो तुझे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह मत मोड़। ये बातें सुनने में बहुत कठिन लगती है। जी हाँ, मसीही जीवन आसान नहीं है, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन मसीही जीवन, एक विशेष बात आप ना भूलें कि मसीही जीवन मेरी और आपकी ताकत में जीने का जीवन नहीं है। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जब हम प्रभु की शक्ति में जीते हैं, और जब हम प्रभु की शक्ति में जीते हैं तो एक ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए जहां हम बदले की भावना से जीते हैं। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, आपने तो कहा था कि टिकट चेकर को बुलाकर लाइए और इसको यहां से उठवा लीजिए। देखिए, बदले की भावना अलग है, हक मांगना अलग है, दोनों में जो अंतर है उसको साफ साफ समझें। आपको दो दिन दो रात वहाँ बैठना है, आपको बैठ के यात्रा करनी है और आपके नाम से बाकायदा सीट और बर्थ अलॉट हो चुका है, वहाँ आप बदला लेने की कोशिश करें, उसमें दो झापड़ मारें कि देख तू मुझसे खेल रहा है, वो बदला है। लेकिन यदि हम जाकर अपना हक मांगते हैं बहुत ही विनय के साथ, कर्टसी के साथ, तो वो अलग बात है। प्रभु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रभु के बच्चों को जीवन में बदले की भावना से जीवन नहीं बिताना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जहाँ पर हमारे साथ धोखा होता है, हमारे साथ दगा होता है, हमारे साथ लोग नीचता करते हैं, वो हमको जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर लूट लेते हैं। उस समय मनुष्य के मन की स्वाभाविक भावना बदला लेने की है, खासकर यदि आप मजबूत हैं। यदि आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, हट्टे कट्टे हैं, ताकतवर हैं, पावरफुल है, तो बदला लेने की इच्छा होती है। और ये बदला कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों को बर्बाद कर देता है। मैंने देखा है कि बदले से क्या होता है। चंबल का इलाका, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसक इलाका माना जाता है, वहाँ यदि आप घर से निकलकर बाजार तक होकर एक 5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर घर वापस आएँ तो कम से कम 20-25 लोग बंदूक लिए हुए नज़र आएंगे, और यदि त्यौहार का समय हो तो 40-50 लोग। घर से एक 5 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आइए। किसी शादी ब्याह वगैरह में यदि आप जा रहे हो, लोकल शादी ब्याह में, तो वहाँ तो जहाँ भी आप मुड़ के देखेंगे लोग छाती पे बुलेट, कमर पे पिस्तौल बंधा हुआ आपको दिखाई देगा। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उस इलाके में बदले की भावना बहुत तेज है। और मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने जम के एक दूसरे की हत्या की है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों ही एक बिजनेस में हैं, मुझे लगा कि उसके कारण मेरा बिजनेस अटक रहा है तो मौका देख के उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद फिर हमेशा चौकन फिरता हूँ कि कोई उस परिवार से ना आ जाए। लेकिन एक दिन जब वो व्यक्ति चौकन्ना नहीं होता है, तब उसने जिसकी हत्या की है उसका बेटा इसकी हत्या करता है, तब से इसका बेटा उसके पीछे। इस तरह से मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जहाँ 5-5, 6-6, 7-7 पीढ़ियाँ बदले की भावना से लोगों ने हत्या की है। मनुष्य के अंदर बदले की भावना स्वाभाविक है, और यदि बदला लेने की सुविधा आपके पास हो, यदि हथियार हो, और यदि आप ऐसे कल्चर में जी रहे हो जहाँ हर कोई मानता है कि तुम हत्या करोगे तो बदला लेने के लिए कोई ना कोई आएगा, ऐसे समाज में बदला कंटिन्यूस चलता रहता है। मैं और आप जिस समाज में जी रहे हैं, इस समाज में बंदूक पिस्तौल तो नहीं चलते हैं, लेकिन इस समाज में हम में से हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ होता है जिसके द्वारा हम दूसरों के साथ बदला ले सकते हैं। जहां हम नौकरी करते हैं वहां जिसने हमारे साथ धोखा किया उसके साथ बदला लिया जा सकता है। कल को एक अच्छा मौका आ सकता है आपके हाथ, जब आप उसको उसने जो आपके साथ धोखा दिया है उसको अच्छी तरह से आप वापस पलट कर धोखा दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो
बदला सिर्फ बंदूकों से नहीं लिया जाता है, बदला लेने के सैकड़ों तरीके हैं। और ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे चंबल का समाज हो जहाँ पर लोग बंदूक ही बंदूक, पिस्तल ही पिस्तल लेके घूमते हैं, या चाहे केरल का शांत समाज हो जहाँ लोग एक दूसरे को गाली भी नहीं देते हैं, ऐसे समाज में भी इस बात के तौर तरीके होते हैं, इस बात के अवसर होते हैं जहाँ हम एक दूसरे से बदला ले सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अपने साथी, अपने मित्र, अपने भाई, अपने पड़ोसी से, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला ले लोगे, बदला लेने की कोशिश करोगे, तो कल किस मुंह से उसको मेरा संदेश सुनाओगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस नए युग में जब हम प्रभु यीशु के संसार में आगमन के बाद प्रभु के अनुयायियों के द्वारा लिखी हुई इन 27 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तब हमको जीवन का हर क्षण यह सोचकर बिताना चाहिए कि सब कुछ बदल गया है, सारे नियम कानून बदल गए हैं। किस तरह से बदल गए हैं? इस संसार के लोगों के लिए नियम कानून वैसे ही हैं, वे बदले का बदला बदले से और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की संतान होने के कारण मैं किसी से भी बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि जिसने भी मुझसे बुराई की है उस व्यक्ति को प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा और मैं उससे बदला नहीं लूंगा। हाँ, यदि मेरा हक छीना गया है और यदि बिना बदले की भावना से मेरा हक मिल सकता है, हर जगह तो नहीं मिल सकता है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रेन में यात्रा कर रहे हों और आपको बर्थ चाहिए और यदि आप टिकट चेकर से कह के वो बर्थ हासिल कर लेते हैं, तो वहाँ बदले की भावना नहीं है, वहाँ तो भावना ये है कि भैया रात को सोना है और इसलिए मेरे लिए जो अलॉट हुआ है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन बदले की भावना से भी इस तरह की बातें की जा सकती हैं, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। बदले की भावना ईश्वर के बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए कि हम ईश्वर के भंडारी हैं और भंडारी होने के कारण हम जो कुछ करते हैं उसमें हमेशा हमारा नजरिया ये होना चाहिए, मैं ईश्वर का भंडारी हूँ और इस कारण ये काम मैं जो करने जा रहा हूँ ये भंडारी के रूप में कार्य करने में मेरी मदद करेगा या भंडारी के रूप में कार्य करने में अड़चन डालेगा। मुझे अभी भी याद है, ट्रेन में बहुत सफर किया है इसलिए इस तरह की बातें बहुत देखता हूँ। एक बार ऐसे ही मैं यहाँ से चंबल इलाके में जा रहा था, तो बर्थ पे बैठे हुए थे सब लोग, तो हम लोग ये कोंकण रेलवे से होकर जा रहे थे। महाराष्ट्र इलाके में जाते हैं तो बहुत सारे हिजड़े ट्रेन में आ जाते हैं, तो जब सबसे मांग मूंग के वो लोग थक गए तो वहाँ जाके एक बर्थ पे बैठने लगे, मैं कभी नहीं भूल सकता। बैठने लगे तो लोगों को बड़ा विचित्र लगता है कि हमारे बर्थ पे कोई हिजड़ा आके बैठ गया। देखिए, मुझे बिल्कुल विचित्र नहीं लगता, वे भी ईश्वर की सृष्टि है, उनसे भी स्नेह करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो आके सामने बैठने लगे तो उस आदमी ने मना कर दिया, तो हिजड़ा बोला, अरे भैया इतनी बड़ी बेंच, उस पर तुम एक कोने में बैठे हो, हम दो जने 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। नहीं, उसने बैठने नहीं दिया। तो वो हिजड़ा बहुत ही प्रेम के साथ उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं बैठाना चाहते, कोई बात नहीं, हमको कोई और जगह दे देगा, लेकिन भैया एक बात याद रखना, जब इस रेलगाड़ी से उतरोगे तो ये बेंच भी उखाड़ के अपने साथ ले जाना। तब उसको एकदम से शौक लगा कि हाँ, थोड़े से घंटे बैठने हैं और इस समय मैं लेट नहीं रहा और ये लोग 10 मिनट के लिए अगला स्टेशन आने वाला है, उतनी देर के लिए बैठने को बोला है और अनुरोध किया है और मैंने बैठने नहीं दिया। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उसने जो जवाब दिया वो जवाब कभी मैं नहीं भूल पाया। हाँ, तुम्हारा ही बेंच है ना, तुम्हारे बाप का है, इसको जब जाओगे तो उखाड़ के ले जाना। हमको ये बात याद रखनी चाहिए, कई बार हम छोटी छोटी बातों पर जिस तरह से लोगों के साथ
कड़ाई से व्यवहार लाते हैं, हम भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को हम उखाड़ के नहीं ले जाएंगे। हमको जो करना है उसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए, ऐसे करना है जैसे प्रभु के भंडारी हैं, और ऐसे करना है कि हमारे भंडारीपन के ऊपर किसी तरह से आंच ना आए। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो, नियम और कानून कहता है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन यदि तुम्हारे विरुद्ध यदि कोई अन्याय करता है, बदले की भावना से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार मत करना, क्षमा की भावना के साथ उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना। तो बदले की भावना, क्षमा की भावना और बिना बदले की भावना के अपने अधिकार को पाना, ये सब एक भंडारी की जिम्मेदारी है। और इसलिए इस नए जीवन में या इस नए युग में हम में से जो लोग जी रहे हैं, हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे आज शाम को ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ कभी धोखा हुआ है? क्या किसी ने धोखा दिया है आपको, दर्द पहुँचाया जानबूझ के? जिसने भी संसार में 5 साल से ज़्यादा जीवन बिताया है, वो इस बात को जानता है कि धोखा, लूट या हिंसा, ऐसी घटनाएं होती। इवन छोटे बच्चे कई बार खा रहे होते हैं तो दूसरे लोग आके छीन कर ले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा 5 साल की जिसकी उम्र हो चुकी होती है उसे इन बातों का अनुभव होता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके साथ ही लोग कई बार आपके साथ धोखा करते हैं, हिंसा करते हैं। कई बार अध्यापक लोग विद्यार्थियों के साथ हिंसा करते हैं। मैं तो टीचिंग प्रोफेशन से आया हूँ और मैंने अपनी टीचिंग विद्यालयीन जीवन से आरंभ किया था। मैं ऐसे कई अध्यापकों को जानता हूँ और कई अध्यापिकाओं को जानता हूँ जिनके जीवन में हीन भावना थी। यदि किसी भी विद्यार्थी को देखे जो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, जानबूझकर उस विद्यार्थी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई विद्यार्थिनी बहुत सुंदर है, ऐसी बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं जो ऐसा जल भुन जाती है कि आइंदा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। विद्यालयीन जीवन के अलावा पारिवारिक जीवन में भी इस तरह की बातें होती है। विद्यालयीन जीवन के बाद जब हम नौकरी काम धंधे पर लगते हैं तो देखिए, इस संसार की रीति हम सब जानते हैं। यदि काम करने के लिए 50 लोग हों तो नौकरी तो सिर्फ 40 ही होती है, या अच्छे पोजीशन सिर्फ 40 होते हैं। तो जिन 40 लोगों को वो अच्छे पोजीशन मिल जाते हैं, उसके अलावा बाकी 10 हमेशा इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि उसको हटाकर मैं कैसे उसकी जगह पर फिट हो जाऊं। तो नौकरी में भी हमारे साथ धोखा होता है, हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसे हर अवसर पर जब प्रभु के बच्चों के साथ ये बातें होती हैं, हमको याद रखना चाहिए, अधिकार मांगना कोई गलत नहीं है, अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बदले की भावना को प्रभु ने अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से वर्जित किया है। आज हमने ये एक बात देखी और इस बात के साथ मैं आप सबको छोड़ना चाहता हूँ, वापस भेजना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, जीवन के हर क्षण, हर पहलू इस बात को याद रखें कि आप प्रभु के भंडारी हैं, और इसलिए आप जीवन में जो कुछ करते हैं उसको ऐसा करना चाहिए कि भंडारी के रूप में दूसरों के सामने कुछ भी करने में बाधा ना आए। और जो चीज़ें बाधा पैदा कर सकती है उसमें से एक आज प्रभु ने बताया, बदले की भावना से, मेरे बच्चे बदले की भावना से मत काम करो। जो भी किसी ने भी तुम्हारे साथ बेईमानी की है, धोखा किया है, हिंसा की है, उसको मेरे हाथ में सौंप दो, मैं उसको देखूंगा। आज से लगभग 3,500 या 3,600 साल पहले इस तरह की एक घटना हुई थी, जहां एक नौजवान को, जो प्रभु से बहुत प्रेम करता था और जो बहुत प्रभु के करीब निकट जीवन बिताता था, उसके जीवन को और प्रभु ने उसको जो दर्शन दिए थे, इनको देखकर उसके 10 भाई लोग
बुरी तरह से उसके प्रति या उसके विरुद्ध ईर्ष्यालु हो गए और उन्होंने एक बार पिताजी के जाने बिना उसको पकड़कर एक सूखे कुएं में डाल दिया, जिससे कि वहाँ बिना पानी बिना खाना तड़प तड़प कर भूखा मर जाए। बाद में उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हत्या अपने हाथ ना हो, इसलिए उन्होंने उसको गुलामों के सौदागर लोगों के हाथ में बेच दिया। ये सौदागर उसको विदेश में ले गए। लेकिन इस घटना के कई सालों के बाद इस जवान को जब प्रभु ने अनुग्रह दिया तो वो मिस्र देश, उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, उस देश का महामंत्री बन गया। देखिए, मिस्र देश इतना शक्तिशाली देश था कि महामंत्री यदि किसी व्यक्ति की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले तो इमीडिएटली उसके सैनिक ले जाकर उसकी हत्या कर देंगे। कोई वहां पर कोई दूसरा प्रश्न पूछा नहीं जाता था। इस राष्ट्र में ये महामंत्री, वो अब तो बड़ा हो गया था, हट्टा कट्टा, मिस्र का खाना खाके बिल्कुल हट्टा कट्टा हो गया था। और मिस्र देश में लोग जब ये राजे महाराजे महामंत्री लोग जब सिंहासन पर बैठते थे तो बाकायदा सर के ऊपर सोने का ताज लगाते थे और यहाँ उनकी कृत्रिम रूप से सोने की दाढ़ी बंधी हुई होती थी, तो इस कारण आप उसको देख के पहचान नहीं सकते कि ये व्यक्ति कौन है। इतना ही नहीं, ये जो महामंत्री है वो मिस्र देश की भाषा में बोल रहा था और उसका अनुवाद करके लोगों को इब्रानी भाषा में सुनाया जा रहा था। ये 10 भाई जब अपने देश में अकाल पड़ा तो भोजन लेने के लिए मिस्र देश में गए और उन्होंने जब महामंत्री को देखा जो उन्नत सिंहासन पर हट्टा कट्टा नौजवान ताज लगाए हुए कृत्रिम दाढ़ी लगाए हुए जो इजिप्ट की भाषा में बात कर रहा है, दमदार आवाज में बोल रहा है और जब उसका अनुवाद करके सुनाया जा रहा है, उसको देख के सब वहाँ जमीन पर गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया जो कि उस जमाने का तरीका था। महामंत्री ने एक नजर में समझ लिया ये मेरे वो 10 भाई हैं जिन्होंने हत्या करने के लिए मुझे पहले तो फूटे कुएं में डाल दिया था और उसके बाद मुझे गुलामी में बेच दिया था। वो उस युग में जी रहा था जब नियम था दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ। उसने क्या किया? नहीं किया। उसने इस बात को पहचाना कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपने भंडारी के रूप में मुझे इस संसार में भेजकर गांव के एक धनी परिवार से उठाकर मुझे यहां सिंहासन पर बैठाया है और इसलिए मैं अपने भाइयों की तरफ यदि इशारा भी कर दूं तो ले जाके 10 के 10 के 10 के गले क्षण भर में काट डाले जाएंगे। नहीं, प्रभु ने मुझे अपने परिवार का भंडारी बनाया है और इस कारण मैं भंडारी के रूप में ही कार्य करूंगा। ये मेरे और आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। बदले की भावना प्रभु के बच्चों के लिए उचित नहीं है, चाहे पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो, परिवार में हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बदले की भावना, यदि अपना हक आपको प्राप्त करना है उसको आप प्रॉपर तरीके से पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बदले की भावना से प्रभु के बच्चों को कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु के भंडारी हैं। यदि हम बदले की भावना के साथ कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे भंडारीपन को नुकसान पहुंचाता है, दोष पहुंचाता है। यह है जो प्रभु की शिक्षा से आज हमने देखा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। आपके साथ हुआ है क्या? जरूर हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, नौकरी में हुआ है, पेशे में हुआ है। बदले की भावना से, मतलब जिसने मेरे साथ बुरा किया है
मैं उसको दुगना बुराई दूंगा, इस भावना से कार्य करना प्रभु के बच्चे के लिए उचित नहीं है। यदि ऐसा मेरे आपके जीवन में कभी हुआ है तो इस बात को समझने के लिए और अपने जीवन में जो भी करेक्शन करना है वो करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। एक दूसरी बात जो हर संडे मैं याद दिलाता हूँ वो ये है कि प्रभु की वाणी को आज जो भाई और बहन सुन रहे हैं, इनमें से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु जो नया जीवन हमको एक गिफ्ट के रूप में या वरदान के रूप में देते हैं, उस जीवन को यदि आपने नहीं पाया है तो उस जीवन को पाकर ही यहाँ से जाएं। ऐसे बहुत सारे भाई लोग और बहनें यहाँ हैं जो इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकते हैं। वो भाई संतोष जिन्होंने प्रार्थना में अगुवाई की, यहाँ भाई बरनबास जो आगे यहाँ बैठे हुए हैं, ये दोनों तो बड़े उत्साह के साथ आपको बड़े आराम से आपकी ही भाषा में समझाएंगे। उसके अलावा और भी कई लोग यहाँ पर हैं, भाई बहन लोग जो ये समझाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूँ। मनुष्य के लिए प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, बाइबल में लिखा है, मनुष्य का वचन है। मैंने इसके पहले भी ये बात आपको कई बार सुनाई है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, मतलब जो इस संसार में आए, चाहे वो राजा महाराजा हो या रंक जिसने सब जो बिल्कुल गरीब है, कंगाल है, या फकीर जिसने सब कुछ त्याग दिया है, सबको जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। उस न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़े होना पड़ेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ यदि आज इस क्षण मुझे उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना पड़े तो मैं प्रभु से याचना करूँगा, प्रभु आज से कुछ साल पहले जब ये संदेश मेरे पास आया था तब मैंने आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था और इस कारण प्रभु आपके ही वचन के अनुसार मैं उस दंड से वंचित हूँ, मुझे मुक्ति दे चुके हैं आप। प्रभु कहेंगे कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं इस बात को जानता हूँ कि तूने मुझे ग्रहण करके मुक्ति पाई थी और इसलिए तू वाकई में सजा से मुक्त है। यही आपकी स्थिति होगी क्या? यदि नहीं तो आज इन बातों को जानकर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके ही पाने के बाद ही इस हॉल के बाहर जाएं, ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है।